बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरे को लेकर बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। आरजेडी के नेता लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे पर आपत्ति जता रहे हैं। एक तरफ जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने बाबा के बिहार आगमन पर नो एंट्री की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराजगंज से विधायक विजय शंकर दुबे ने कहा है कि सनातन धर्म सभी धर्मों से ऊपर है। आज हमारा देश खंडित नहीं हुआ है तो कोई राजनेताओं का योगदान नहीं है। भाषण में भले ही लोग अपनी राजनीति की रोटी सेंके, लेकिन सच्चाई यही है कि यह देश सनातन का देश है, जहां पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा जातियां हैं और सभी की अपनी संस्कृति है। उसे अगर किसी ने बांधा है तो सनातन धर्म ने। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म के साधु संतों को कोई भी आज तक नहीं रोका है, नहीं रोक सकता है। धर्म प्रचारक बागेश्वर धाम धीरेन्द्रनाथ शास्त्री के बिहार आने पर राजनेताओं द्वारा रोके जाने की बात पर उन्होंने कहा कि किसी भी लोग का यह अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन नाम लिए भी नहीं कहा कि वे लोग मूर्ख हैं। साधु संतों को कोई नहीं रोक सकता है। साधु संतों की कोई रोके, असाधु संतों की संत किसी के रोकने से रुकने वाले भी नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। नहीं सर, वो कोई एक आदमी कहता है, वो उसका अपनी सोच हो सकता है, लेकिन ऐसे साधु संतों की को रोका जाना, उनके मार्ग में खलल डालना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं।